भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने लगाया के राहुल पे आरोप, के राहुल की वजह से ये मैच हम हारे हैं करके। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है के राहुल को लेके। रोहित शर्मा ने किया के राहुल को अगले मैच के लिए बाहर, के राहुल की वजह से हम ये मैच हारे करके। क्या है पूरा ये माजरा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन को अल में प्रेस कर दे। आप सबको बता दे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था ओडीआई का, उसी बीच भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रन ही बना पाया, 200 का आंकड़ा भी छो नहीं पाया। ये तो T20 की तरह खेल रहे थे भारतीय दिग्गज बल्लेबाज, इतने इतने महारथी थे विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, केएल राहुल। सिर्फ केएल राहुल के बल्ले से निकला 73 रन की पारी और किसी भी बल्लेबाज का 30 से ऊपर स्कोर नहीं रहा और भारत 186 रनों में सारी टीम सिमट गई। उसके बाद फिर बांग्लादेश के धुरंधर आए इस रन को चेस करने के लिए। भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था, दीपक चहर ने ओवर के पहले बॉल में पहले विकेट चटका दिया। भारत को सिर्फ एक विकेट चाहिए थी। सबसे बड़ी गलती की पहले बल्लेबाजों ने, 41 ओवर और 2 बॉल में भारत पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारत की सबसे बड़ी दूसरी गलती के राहुल बने इस मैच में। के राहुल की तरफ कैच आया था, ये कैच के राहुल से छूट गया। उसके बाद इसी ओवर में ठाकुर के एक कैच और गया था सुंदर की तरफ, सुंदर को तो पता ही नहीं बॉल कहां गया कहां नहीं गया, वो कैच की तरफ गई नहीं। अगर यहां पर भी वो कैच कर जाते भारत ये मुकाबले को आराम से जीत जाता, क्योंकि भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ विकेट ही बचा सकता था। लास्ट ही विकेट थे, 9 विकेट चले गए थे बांग्लादेश के और बांग्लादेश इस मुकाबले को आसानी से जीत गया, वो भी भारत को जीतने के लिए एक ही विकेट की जरूरत थी। भारत के बॉलर ने तो काम कर दिया था लेकिन भारत के फील्डर ने साथ नहीं दिया भारत का, इसीलिए भारत ये मुकाबला हार चुका है। पहला वनडे का पहला मुकाबला भारत बांग्लादेश के साथ हार चुका है। आपके हिसाब से भारत ने कहां पर गलती की हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सबसे बड़ी गलती इस मैच में किसकी रही वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 दिसंबर को होगा सेम टाइम पे 11:30 में ये मुकाबला भी शुरू करवाया जाएगा। उसी बीच भारत को यह सीरीज जीतने के लिए आने वाले दोनों मुकाबले जीतना पड़ेगा, अगर एक मुकाबला भी हार जाते तो बांग्लादेश की तरफ चले जाएगा ये सीरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, और इस वीडियो को एक लाइक कर दे। जय हिंद।